हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रीता जी के रसोई में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले का सब्जी। और ये देखिए, ऐसा बनाएंगे बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। इस तरह इसको फाड़ करके इस तरह ऐसे टुकड़े बनाना है इसको, इस तरह का। और इसको पानी में उबालना है। तो इसमें हम करेले को डाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इससे जो होता है इसका सब तीतापन भाग जाता है। और देखिए उबाल रहा है, तो हम इसको उबालने के बाद हम आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। 5 मिनट हो गया है, तो हम इनको निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमारा ये उबल चुका है। देखिए इस तरह का हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह सारे निकाल लेंगे, इसका पानी निचोड़ करके इस तरह रख लेंगे। देखिए हमने इसको बका रख लिए हैं। और इस हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई गरम होने के लिए हमने रख दिए हैं। हमारा कढ़ाई गरम हो गया तो हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें हम फोरन के लिए थोड़ी सी राई डालेंगे, सरसों। और इसमें फ्राई किया हुआ मसाला डालेंगे। और इसमें हम ये करेला डालेंगे के लिए। तो पानी गार कर निकाल लेंगे पहले, तब डालेंगे। दोस्तों इस तरह बनाने से करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, और जो नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा इसको, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कड़वा नहीं लगेगा। इसको भून कर पूरी तरह इसको लाल कर लेना है। हम इसको चलाकर उलट पलट कर इसको गोल्डन होने तक इसको भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा से बन रही है, भून रहा है। इस तरह इसको जल्दबाजी नहीं करना है, इसको अच्छे से धीरे धीरे भून लेना है, तभी जो हमारा सब्जी है जो कि अच्छा बनेगा। नहीं तो दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी करके इस तरह मसाला डाल दिए तो ये अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि करेला है इसको जब तक से भूनेंगे नहीं तब तक से इसका टेस्ट नहीं है अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका भूनने में ही इनको प्रधानता है, क्योंकि सब्जी भुनी हुई ही अच्छी लगती है। और वो भी करेला है तो इसको ज़रूर भूनना है, भून भून कर इसको लाल कर लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए, हमारा सब्जी अच्छा बनेगा। इसको और हम भून लेंगे। देखिए हमारा करेला भून चुका है, ये लाल होने ही वाला है। इस तरह हम थोड़ा और फैला लेंगे। देखिए ये गोल्डन कलर का हो गया है। देखिए थोड़े
प्याज लिए हैं बारीक, इसको कट कर लिए हैं। ये मर्चा है, इसको हम मर्चा तो डाल लिए हैं। मसाला लिए हैं जो हमने पीसे हैं, इसमें सरसों और धनिया, गोल मिर्च, जीरा और लहसुन, ये सबको हम सिलौटे पर पीस लिए हैं। और इसमें हम थोड़ी हल्दी डालेंगे, तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, भून चुका है अच्छे से। इसलिए लाल हो चुके, लाल हो गया है हमारा, ये देखिए पास से दिखाते हैं, ये लाल लाल हो गया है। इस तरह का भूनना है, बिल्कुल इसमें सुंधापन आ गया है, तो अब इसको हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल कर रख लेंगे। इस तरह दोस्तों करेला बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको सबको खाना चाहिए, बच्चे बड़े सबको खाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई में, कढ़ाई में तेल डालेंगे इस तरह। तो देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं, और फ्राई होने के लिए इसमें एक मर्चा डाल लिए हैं, सब लोग मर्चा नहीं डालते हैं, लेकिन हम मर्चा डालते हैं इसमें। आप डालकर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। इस तरह प्याज को फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेल डालेंगे दोस्तों, इस तरह। इससे इसका जो होता है सब्जी बहुत सुगंधित होता है और बहुत ही सुंधापन इसमें अच्छे से आ जाता है, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर इसमें। तो देखिए हमारा प्याज भून चुका है, तो हम इसमें मसाला को डाल लेंगे। और मसाले डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि इसमें हम नमक डाले पहले तो इसमें स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और इस तरह इसको चलाते हुए भूनेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनना है दोस्तों, बिल्कुल इसको लाल कर लेना है भून करके मसाले को। तो देखिए हमने इसको इस तरह चला कर भूनने के लिए रख लिए हैं। हमारा मसाला भून चुका है, देखिए बिल्कुल इस तरह का हो जाए तो समझ लेना कि भून जाए हमारा मसाला। क्योंकि मसाला भूनेगा जितना अच्छा से उतना ही हमारा सब्जी टेस्टी बनेगा। तो इसमें हम ये करेला डाल लेंगे जो हमने भून कर रखे थे पहले, इसको हम डाल लेंगे और इस तरह चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह करके हम और इसको दाल चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। आप यकीन मानिए, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा,
और इसमें हम थोड़ी सी इसको इसमें पानी डालेंगे। अगर आप पानी इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो भी इस तरह से सूखी हुई सब्जी आप इस तरह इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। जिसको पसंद है सूखा सब्जी वो इस तरह ही रखें, पानी ना डालें। इसको थोड़ा सा इसको मसालेदार चाहिए तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से डालेंगे बस इतना। और एक उबाल आने तक इसमें इसको हम ढक के रखेंगे। इसको ढक लेंगे दो मिनट के लिए। दो मिनट हो चुका है और हमारी ये सब्जी चटपटी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह से बन गया है हमारा सब्जी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये सब्जी बनाने का तरीका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।